hey guys welcome to my channel my name is Anvita Chaudhary I believe that you all are doing great so guys today we are going to discuss about the cyclone Bipurjoy the cyclone Bipurjoy has finally arrived at the coast of Gujarat this cyclone has been named as Bipurjoy its name has been named by Bangladesh so in Bengali it is called Bipurjoy not the Bipurjoy we will pronounce it Bipurjoy right Bipurjoy meaning disaster in the Bengali राइट right. कुछ टाइम में ये साइक्लोन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया और सुपर साइक्लोन की तरफ बढ़ने की ओर में है ये साइक्लोन अरेबियन सी का अब तक का सबसे लंबा साइक्लोन बताया जा रहा है तो ये इतना डेडली क्यों है वाइट सेम न्यूज दिस मच विल डिस्कस अबाउट दिस एवरीथिंग और राइट लेट स्टार विल सी वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हेयर अगर आप इसका पूरा पाथ देखोगे तो <clears throat> आपको देखने को मिलेगा कि ये गुजरात का हिस्सा काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है स्पेशली जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ऑल दो मोर देन फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड पीपल शिफ्टेड ताकि कम से कम uh, sorry, नुकसान आई एम सॉरी इट्स नुकसान राइट या नुकसान हो एंड आई एम डी शूड ऑरेंज अलर्ट फॉर सौराष्ट्र एंड कोच कच कोस्ट इन गुजरात एज वेल एज द पाक्स कोस्टल रीजन जब भी कोई साइक्लोन अरेबियन सी में आता है तो मोस्टली पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता है लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होते हैं कि भारत में तरफ मुड़ जाए ताकि जो साइक्लोन्स का इम्पैक्ट विल बी सीन इन पाकिस्तान एज वेल बट द मोस्ट जो अफेक्ट होएगा वो होएगा कच ऑफ दिस साइक्लॉन तो हम देखेंगे साइक्लोन्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है वहाँ से वैन वी सी इन द इंडियन रीजन मैक्म सस्टेन विंड की बेसिस पे ये क्लासीफाई किया जाता है यहाँ पे प्रेशर डेफिशेंट सिस्टम है जो ऑन द सेम सब चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है और फाइनली विंड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम देखें अगर साइक्लोन की विंड स्पीड सेवनटीन एंड ट्वेंटी सेवन नॉट्स के बीच में नॉट का मतलब होता है वन पॉइंट टू सॉरी वन पॉइंट एट किलोमीटर पर आवर सो विंड स्पीड सेवनटीन एंड ट्वेंटी सेवन इज कॉल्ड डिप्रेशन अगर ये चीज़ तीन मिनट्स का सरफेस विंड सस्टेन करता है अगर इसका स्पीड ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी थ्री नॉट्स है होती है तो ये डी डीप डिप्रेशन कहलाता है ओके इफ द सेम थिंग इज मोर देन थर्टी थ्री नॉट्स थर्टी थ्री नॉट्स और यू कैन से थर्टी फोर नॉट्स वी कॉल इट ए साइक्लोनिक स्ट्रॉम एंड इफ दिस विंड स्पीड इज ऑफ वन ट्वेंटी फाइव टू वन थर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर देन इट फॉल्स अंडर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम कैटेगरी सो द बाइपर जॉय इज अंडर ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम यू कैन सी इन द लिस्ट नाउ विल सी दबाई पर जो इस यूज बेसिकली क्या है ये अरेबियन सी का इस साल का पहला साइक्लोन है आपको पता ही होगा काफी कम होता है basically, अरेबियन सी में साइक्न्स काफी कम होते हैं ज्यादातर ईस्ट वाला साइड ही है जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर ही ज्यादातर साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं क्योंकि विंड की डायरेक्शन इसी तरफ से होती है इसलिए उड़ीसा हुआ हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया बंगाल हो गया उधर ही आपको हिट करते करने को देखने को मिलता है बहुत कम होता है कि भारत को साइक्लोन अरेबियन सी की तरफ से हिट करे तो क्या है कि अरेबियन सी का पहला साइक्लोन है एस आई टोल्ड यू इसमें रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ था सिक्स एंड सेवेंथ जून को <clears throat> मतलब 48 एट आवर्स के अंदर ये जो साइक्लोन है ना पहले ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जस्ट नॉर्मल जैसा था अब आपको पता है कि साइक्लोन कैसे बनता है धीरे धीरे जितना ज़्यादा आपको ओशन के अंदर रहेगा जितना ज़्यादा ओशन गर्म रहेगा जिससे अरेबियन सी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जो ओशियन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसकी वजह से वेप्रेशन वे, होता है इवेप्रेशन होने की वजह से साइक्लोनिक स्ट्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो पहले ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था सिक्स एंड सेवन जून से जून के इसके अंदर रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया 48 के अंदर, अंदर इससे बड़ी बात थी किस्टेन्ड स्ट्रेंथ फॉर ए लॉन्गर देन नॉर्मल ड्यूरेशन कहने का मतलब ये है कि साइक्लोन कितने ज्यादा टाइम तक ओशन के अंदर रहेगा और जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इवेपरेशन होगा उतना ज्यादा इंटेंसिफिकेशन होगा उतना ज्यादा सीवियर होता चला जाएगा तो आज तक पहले बाहर अरेबियन सी में इतने लंबे समय तक कोई साइक्लोन है तो वो बाइपर जो हुआ है मतलब इतने लंबे समय तक आज तक कोई भी साइक्लोन देखने को नहीं मिला है इसलिए काफी अनयूजल है आई एम डी शो बाइपर जो इज ऑन कोर्स टू बिकम द साइक्लोन विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन इन द अरेबियन सी राइट ये हो क्यों रहा है एक स्टडी कंडक्ट किया गया ठीक है why is uh, this is happening a study conducted in the indian institute of tropical meteorology pune which says that cyclonic storms over the arabian sea are becoming more frequent and severe the main reason for that is one side there is arabian sea and the side is bengal bay of bengal usually the bay of bengal was warmer than arabian sea bay, bay of bengal अरेबियन सी से ज़्यादा गर्म होता है अगर यूजुअली हम देखें तो ना धीरे धीरे अरेबियन सी भी ज़्यादा गर्म होते जा रहा है तो जितना ज़्यादा अरेबियन सी गर्म होएगा उतना ज़्यादा धीरे धीरे आपको साइक्लोन्स ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टडी में ये देखा गया है कि जो साइक्लोन्स बन रहे हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक बन रहे हैं ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम में हट जाते हैं इफ़ यू सी द लास्ट फोर डेकेड्स देर हैज़ बिन एटी परसेंट देर हैज़ बिन एटी परसेंट इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ साइक्लों इन द अरेबियन सी विच इज़ नॉट गुड तो ये क्लियरली एक मेजर दे, शिफ्ट देखा जा रहा है इन द पैटर्न ऑफ साइक्लॉन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन मतलब जो साइलोन आपको प, पहले बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलते थे वो आपके धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा अरेबियन सी में इसकी वजह से जो खतरा है गुजरात कोस्ट के लिए क्योंकि ज़्यादातर विंड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्दर्न साइड से ज़्यादा पाकिस्ट साइड हिट करता है लेकिन कुछ कुछ उसमें गुजरात कोस्ट को भी हिट हो जाएगा जो बाकी कोस्टल रीजन्स हैं मुंबई एंड वहाँ ऑल आई वहाँ मुंबई और जो और कोस्टल रीजन्स है वहाँ भी इम्पैक्ट तो होगा पर उतना नहीं होएगा जितना गुजरात का होता है ठीक है लंबे ड्यूरेशन के साइक्लोन्स काफ़ी वेज में इंपैक्ट करेगा बिकॉज इफ़ वी सी विद द परस्पेक्ट टिव ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ लंबे लंबे अगर ये साइक्लोन ज्यादा ज़्यादा टाइम तक हमें देखने को मिले ज्यादा तो ये क्या हमें इंपैक्ट कर सकते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट कर सकते हैं पर साइक्लोन विल सी द सैक्लोल्ट फिशिंग डेज को इम्पैक्ट करेंगे जो लाइवलीहुड है फिशर का इट विल इम्पैक्ट द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन एंड एज मैनी डेज इट विल रिमेन इन द वाटर इट विल गैदर दैट मच मॉइस्चर जितना साइक्लोन वाटर के अंदर रहेगा उतना ज्यादा वो मॉइस्चर कंडक्ट करेगा उतना ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा एंड विल बी मोर एनर्जाइज एंड वेन इट विल हिट द लैंडिल इट विलर तक अगर ओशन में रहेगा समुद्र के अंदर रहेगा तो ज्यादा मॉइस्चर करेगा उसमें ज्यादा एनर्जी होगी और वो लैंड फिल को उतने ही ज्यादा मोर डिस्ट्रक्टिव वे में हिट करेगा तो थैंक यू सो मच गायस इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फोर गेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच